अच्छा, जो ऐसे भी एमएमए जाना चाहता है तो स्टार्ट कहाँ से करे? लाइक होता ना कि यार मुझे कोई पता ही नहीं है कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, यूट्यूब पे वीडियोस से हो जाएगा या फिर कोई कोर्स करना हाँ मुझे पड़ेगा एग्जैक्टली कि हाँ यार ये कोर्स कर लो, क्योंकि यार होता क्या ना, जैसे अब यूट्यूब पे कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि यार पूरा कोर्स नहीं होता, कुछ चीज़ें हैं उस पर यूट्यूब पे, कुछ चीज़ें नहीं है, तो या फिर कोई कोर्स कर लो तो पूरा एक डिजाइंड होता है पूरा कोर्स, कि यहाँ से एक पॉइंट से आपको स्टार्ट करेंगे, दूसरा पॉइंट आपका एंड पॉइंट होगा जहाँ पे सारी चीज़ें आपको सिखाया जाएगा पूरी साइकिल में, बट यूट्यूब पे करेक्ट क्या कुछ चीज़ें आपको मिल रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही, एक प्रॉपर वे में नहीं होता। फ्रेशर्स हैं बहुत सारी मेरी जो ऑडियंस, और जो लोग अदर मतलब डोमेन से ऐसे पे एमएमए जाना चाहते हैं, तो उनको ये डिफ़िकल्टीज कैसे फेस करनी पड़ेंगी कि कहाँ से स्टार्ट करें, यूट्यूब से या फिर कोई कोर्स ले लें? क्योंकि ऐसे भी की बात करते हैं, पेड बहुत करना पड़ता है ऐसे भी, क्योंकि सर्वर बेस्ड है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि उस पर डाउनलोड करेक्ट करो एंड काम करना स्टार्ट कर दो, सर्वर बेस्ड है तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। तो आप बताओ कि कहाँ से स्टार्ट करें, यूट्यूब से या फिर कोई कोर्स पे, पेड कोर्सेज होते हैं वहाँ से स्टार्ट करें? तो अभी अगर मैं वैसी बात करूं तो एज अ फ्रेशर अगर आप कर रहे हो कि आप फ्रेशर हो एंड यू आर प्लानिंग टू डू SAP MM, तो फिर मैं तो बोलूंगी कि फर्स्ट स्टेप आपको ये है कि आप पहले मार्केट स्टडी करो कि एग्जैक्टली अभी MM का मार्केट ओपन है कि नहीं. और अगर वैसे भी आपको नहीं, मतलब बहुत सारी लोगों को वो जमता नहीं है, मतलब वो मार्केट को रीड कैसे करें, तो इट्स ओके, उसमें भी कोई इशू नहीं है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है वो है SAP MM का कोर्स करना. और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोर्स एज इन की सर्टिफाइड कोर्स करो, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारे मेरे कोलीग्स थे जो SAP सर्टिफिकेशन करके मेरे साथ इंटरव्यूज दे रहे थे, लेकिन क्या मतलब SAP सर्टिफिकेशन आपको ये सर्टिफाई नहीं करता कि यार आपको सारी चीज़ें पता है, वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बाद ही आपको पता चलेगी. तो पता नहीं ऑडियंस मुझसे अग्री करेगी या नहीं, लेकिन हाँ मैं अगर मेरे एक्सपीरियंस से बात करूँ तो मुझे SAP में मतलब SAP समझने के लिए इजी पड़ा एज अ कंसल्टेंट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एज अ एंड यूजर काम किया था. अगर मैं एंड यूजर की बात करूँ तो कोर इंडस्ट्री जहाँ पे SAP यूज हो रहा है एक्चुअली, तो अगर आप वैसी कोर इंडस्ट्री में एज अ फ्रेशर अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, एटलीस्ट 1 साल का या 1.5 साल का एक्सपीरियंस ले रहे हो, SAP पे काम कर रहे हो, तो जब आप बाहर IT इंडस्ट्री में एज अ कंसल्टेंट अप्लाई करते हो ना, तो आपके वो चीज़ें बहुत इजी और सिंपल हो जाती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस सिस्टम पूरा छान चुका है, मतलब आपने वो चीज़ें यूज़ की है डे टू डे लाइफ में, और फिर आप वो चीज़ों का पीछे बैक एंड में कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हो या रीज़न ढूंढ रहे हो कि यार ये चीज़ क्यों नहीं हो पा रही है करके. तो अगर मैं वैसी बात करूँ तो फर्स्ट इज़ कि आप कोर्स करो, फिर आप किसी कोर इंडस्ट्री में ज्वाइन हो. हाँ ऑडियंस मुझे ये भी बोलेंगी कि यार कोर इंडस्ट्री में बहुत कम सैलरी होती है, तो अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो यार अगर आप सैलरी को फॉरमोस्ट इस पे रख रहे हो ना, तो आई डोंट थिंक कि आपको ना SAP इज गोइंग टू टेक एनीवेयर. अगर आप SAP सीखने का ये मोटो अगर रखोगे ना, तो पैसे ऑटोमेटिकली आएंगे. आप अगर डेस्परेट हो कि नहीं यार मुझे SAP MM में तो करियर करना ही है, BEd अभी फिलहाल थोड़ा कम है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें ग्रेजुअली इंक्रीज होगी. अगर आप SAP MM को मोटो रखोगे ना, तो आई एम श्योर कि पैसे साथ में आएंगे ही, और ये मैं पर्सनल ग्रोथ और एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ. तो या मैं वही बोलूंगी कि एज अ फ्रेशर अगर आप चालू कर रहे हो तो फिर आप सर्टिफिकेशन के लिए प्लीज मत जाओ प्लीज, और आप कोर इंडस्ट्री में काम करो, एंड देन एक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस आने के बाद आप IT में उतरो. और IT में भी ऐसे हैं कि जो लोग अपनी मतलब IT इंडस्ट्री भी अभी इतना आपको सपोर्ट करती है कि जहाँ पे आप एज अ फ्रेशर 4-5 लाख का सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हो, तो उस जगह पे आपको वो कोर्स आपको 50 to 1 लाख में हो जाएगा आफ्टर यू ज्वाइन एन IT इंडस्ट्री. तो या दिस इज व्हाट आई कैन ओके सी okay. अबाउट इट. अगर किसी को जैसे कोर्स स्टार्ट करना है कि यूट्यूब से करे या कोई पेड कोर्स ले ले, या नॉर्मल अगर फ्रेशर्स को ये है कि थोड़ा बहुत सीख ले MM के बारे में, थोड़े आपको टर्म्स पता चल जाएगा, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में एज ए फ्रेशर, तो यूट्यूब वगैरह से थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो ठीक है आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा IT कंपनी में, ऐसा पॉसिबल है या फिर कि आपको कोई कोर्स लेना पड़ेगा? हाँ मतलब ऐसे अभी ये जो है ना, ये इसकी जो तादाद है, जैसे आपने वो ये क्वेश्चन पूछा, उसकी जो तादाद है ना वो आजकल बढ़ चुकी है, क्योंकि आफ्टर कोविड सारी चीज़ें ना ऑनलाइन वर्चुअल इंटरव्यूज होने लगे हैं. पहले भी वर्चुअल इंटरव्यूज होते थे, लेकिन आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के कैंपस में बुला के फिर इंटरव्यू होते थे.
तो देर वॉज नो चांस कि आप कुछ चीटिंग कर पाए, या फिर यू नो कि लैपटॉप चल रहा है और आप मोबाइल में क्वेश्चंस सर्च करके आप वो आंसर दे रहे हो. तो पहले वो नहीं होता था, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा बहुत बहुत केसेस हो रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ आता नहीं है, लेकिन यू आर ज्वाइन लाइक यू ज्वाइंट द कंपनी, क्योंकि इंटरव्यूअर को आपका इंटरव्यू बहुत पसंद आया था, लेकिन इट वुड नॉट टेक यू एनी वेयर. क्योंकि एट द एंड जब आप काम करना शुरू करोगे ना, पहले 15 दिन तो गोल्डन पीरियड होता है जब आपकी ट्रेनिंग वगैरह होती है, लेकिन जब एक्चुअल काम चालू होता है तब सामने वाले को समझ में आने लगता है कि यार इसको तो कुछ आता ही नहीं है, जो चीजें जिस चीजों की वजह से मैंने इनको इसको लिया था, इस बंदे को लिया था, वो चीजें तो इसको आती ही नहीं है. मतलब इसको ट्रेनिंग देने के बाद भी ये चीजें नहीं आ रही है, तो तब टर्मिनेशन के चांसेस रहते हैं. तब फिर आपका एक इंटरव्यू वापस है, टेक्निकल इंटरव्यू होता है जहाँ पे सामने सामने आपका इंटरव्यू लिया जाता है, और अगर आप वहाँ पे गिल्टी फाउंड होते हो कि यार आपने तभी ऐसे ऐसी चीजें करके आपने वो इंटरव्यू मतलब फ्रॉडुलेंट करके आपने इंटरव्यू पास किया था, तो कंपनी आपके ऊपर मतलब लायबल है एक्शंस लेने के लिए, एंड फिर वो आपको टर्मिनेट भी कर सकती है ऑन इमीडिएट एक्शन. तो मैं तो सजेस्ट करूंगी लोगों को कि प्लीज ऐसा मत करो कि यार थोड़ा सा पढ़ लिया एंड देन वी गो एंड गिव द इंटरव्यू, क्योंकि एट द एंड आपको उसमें से कोई नॉलेज मिलने वाला है नहीं, आपका रेप्यूटेशन खराब होगा वो ओके अलग. करेक्ट.